रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरे वाइटी फैमिली? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, पटियाला चिकन रेसिपी। और ये आप रेसिपी आप मेरे तरीक़ों से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, और जो खाएगा वो उसके दिल में उतर जाएगी और वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है और इसके बड़ी पीसेज में हमने इस तरीके से, यानी लेग पीस में हमने इस तरीके से कट लगा दिया है ताकि ये अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए। तो अब हम इसमें इसको मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हमने आधा चम्मच नमक ले लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1/4, इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, काली मिर्च जाएगा आधा चम्मच, और ज़ीरा पाउडर जाएगा, और ज़ीरा पाउडर और धनिया मैंने मिक्स लिया है, ये दोनों मिला के 1 चम्मच हुआ है, और ये जाएगा गरम मसाला आधा चम्मच। तो इस सबको हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इजी वे में और आसान तरीके से, और मतलब ऐसा हो कि घर में आपके हर चीज़ मौजूद हो और आप जो है ये काम आराम से कर सकें। और आधा कप हम तकरीबन दही डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। वैसे कोशिश किया करें कि हाथ से हो जाए, क्योंकि हाथ से देसी तरीका होता है वो बहुत अच्छा तरीका होता है, वो इजीली हो भी जाता है और अच्छे से वो सारा मसाला लग भी जाता है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसमें ऑयल ले लिया हमने इसमें 1/2 प्याली। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग और एक बड़ी इलायची। और आपको मैंने बताया था कि बड़ी इलायची हमेशा गोश्त में डाला करें, उससे खुशबू भी आती है और गोश्त की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो इसको हल्का सा हिला देंगे। उसके बाद इसमें लहसुन है और अदरक है, तो पहले हम लहसुन को डालेंगे। ये 4 जवे लिए थे मैंने फ्रेश, तो काटेंगे इसको हल्का सा आएंगे। उसके बाद इसमें अदरक के जो टुकड़े थे चॉप कर लिए थे हमने, छोटा सा अदरक का पीस लिया था। इसको इस तरह से चलाने के बाद इसमें 2 अदद दरमियानी मैंने प्याज काट लिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटनी है, थोड़ी थोड़ी चॉप कर लिए उसको। और प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, बल्कि जिसको पिंक कहते हैं ना, पिंक वो करना है आपको, ठीक है? ज़्यादा ब्राउन करने से वो गोश्त की जो असल खुशबू होती है ना सालन की, वो ख़राब हो जाती है। जी, तो प्याज का ऐसा कलर आ गया है और यही ऐसा इस टाइप का कलर आ गया है, यानी प्याज पिंकिश हो गई, और यही वो स्टेज होता है जब हम अपने प्यारे प्यारे से लाल लाल खूबसूरत से टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। और ये याद रखिए कि प्याज खाने को हमेशा प्यार से, मोहब्बत से और दिल से पकाया जाए, तो चाहे वो सब्ज़ी हो, दाल हो, तो कुछ भी हो, बहुत बेहतरीन बनता है। तो यहाँ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं चिकन में। और 1/2 चम्मच हमने वो लिया है पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर 1/4 डालेंगे इसमें, हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। ये डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे। और 1/2 प्याली से पानी शामिल कर देंगे तब इसको थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, और इसको ढक के इसको ढक देंगे 5-10 मिनट तक के लिए, ताकि इसकी टमाटर नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जी, तो ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। इसके लिए हम आधी ग्रेवी, देखें ऑयल भी निकल इसने छोड़ दिया, तो आधी ग्रेवी हम इसमें निकाल लेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको निकाला है, और बाकी के मिक्सचर में हम ये चिकन डाल देंगे मैरिनेट हुआ हुआ।
इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि चिकन में स्मेल आती है गोश्त में, तो इसको अच्छे से भून जाएगा। तो उसके बाद फिर इसमें तो फुल आंच पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है, फुल फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद हमने इसमें जो बाउल में से उसका पानी, थोड़ा सा मसाला तो लगा हुआ था और तो उसका पानी हमने इसमें डाल दिया। इसको अब ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल। अच्छा जी मेरे दोस्तों, तो यहाँ हमने एक अपना प्यारा सा पैन ले लिया, इसमें 2 चम्मच हमने डाल दिया है ऑयल के, ये देखें। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा आधा चम्मच, उसके बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करना है। शिमला मिर्च ऐसे काटना है, प्याज को ऐसे काटना है जैसे शाशलिक में बनता है ना उसी तरीके से चकोर चकोर काटना है। इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा पटियाला चिकन में। इसको अच्छे से बस फ्राई करना है आपने ताकि इसका जो कच्चापन है शिमला मिर्च का और प्याज का ये निकल जाए, और ये बहुत ज़रूरी होता है वरना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद ये अच्छे से फ्राई हो गया है। ये हमने जो ग्रेवी निकाली थी ये डाल देंगे साथ में हम इसके, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो खुशबू इस वक्त उठ रही है, बहुत ही जी। तो हल्का से ये हो गया, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी दही डाल देंगे ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका। और थोड़ा सा इसमें जाएगा हरी धनिया, और ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुके हैं इसके ग्रेवी। वाह क्या खुशबू आ रही है, टेस्टी। आगे का प्रोसेसर देखते हैं। चिकन को भी 10 मिनट हो गए और ये तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 2 अदद मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है, हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, अच्छे से चला लेंगे। हाथ को हौला रखना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है और वो छोड़ देता है। ये करके उसके बाद जो हमारी ग्रेवी तैयार हुई हुई थी वो हम डाल देंगे इसमें। ये हो गया तकरीबन रेडी, इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, लो फ्लेम कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दम पे इसको रख देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके बता दूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पटियाला चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये लीजिए तैयार हो गया है पटियाला चिकन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की शान है, ताला खुद ही रिक्स में हमारे खानों में हमारे जायकों में खुद बखुद ही बरकत डाल देंगे। मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपको नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।